नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर नाजिम रजा साहब किबला, हिकमती दूला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तक पूरी दुनिया साइंस ये नेक ना कर सकी और ना हिम्मत कर सकी किसी भी दवा के बारे में कि इस दवा को खाने से तमाम अमराज में शिफा है। लेकिन हमारे नबी ने 1400 साल पहले कलौजी के बारे में इरशाद फरमाया कि काले दाने में मौत के अलावा हर मंगल से शिफा है, तो इस्तेमाल करेगा शिफा। दम है साइंस में कि दावा कर सके कि किसी एक दवा के अंदर मौत के अलावा हर मर्ज से शिफा है। ये मुसलमानों के मसीहा, मुसलमानों के तबीब ने ये बात बताई है कि कलौजी में मौत के अलावा हर मर्ज से शिफा है। मुसलमान, तुम सोची समझी साजिश के शिकार हो चुके। बेशक बेशक हक है, सोची समझी। अभी हमारे और जिम्मेदार और मैं मौजूद है, पूछना 100 साल पहले तक हर मदरसे में तिब्बत नबी पढ़ाई जाती थी। बेशक हक है, हक है, हिकमत पढ़ाई जाती थी। जितने भी हमारे उलमा इकराम होते थे वो इस्लाम की खिदमत, सुन्नियत की खिदमत फी सबील ही करते थे और तिब को, हिकमत को अपना जरिया मुआश बना लिया। ये सोची समझी साजिश के शिकार हो गए। और ये सिरपें बिकना कैसे आएगी मार्केट में? मार्केट में सिरप कैसे बिकेगी? कैप्सूल कैसे बिकेगा? इंजेक्शन कैसे बिकेंगे? लोग बीमार कैसे होंगे? ये तिजारत मेडिकल कैसे चलेगी? ये तभी चल सकती है जब लोग सुन्नत रसूलुल्लाह को भूल जाएं। वरना सिरप नहीं बिक सकती, कैप्सूल नहीं बिक सकता, इंजेक्शन नहीं बिक सकता। लोग सेहतियाब रहेंगे, जब सेहतियाब रहेंगे तो ना किसी सिरप की जरूरत होगी ना किसी दवा की। आज इसलिए बहुत, इसलिए हमारे साथ साजिश हुई। 100 साल पहले जो इल्म मदरसों से बांटा जाता था उसको निकाल कर बाहर कर दिया, बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया। और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं। आज उसी तिब्बे नबवी को, उन्हीं फरमूलाते मुस्तफा को, उन्हीं मामूलाते मुस्तफा को तहरीक अहले हिकमत पूरी दुनिया में आ